फिर एक टेलीविजन का दौर आया, वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का एक दौर था दिल्ली में, जो सबसे पहले हम लोग सीरियल शुरू हुआ था जी। उसके बाद डीडी नेशनल के लिए एक शो था जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे तब ऑडिशंस देने जाया करते थे सारे थिएटर के एक्टर्स जी, हम भी जाते थे ऑडिशन, बड़ी ईमानदारी से देते थे, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता था, पूछते थे कि आपने कुछ किया है तो करके दिखाइए जी, तो करके दिखाते थे। मैं तो कहीं सर देख रहा था आपका एक जो पहला ऑडिशन टीवी सीरियल का था, वो शायद पुलिस फाइल करके एक सीरियल के लिए था, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो हमें, किस तरीके का वो एक्सपीरियंस था और क्या डायरेक्टर ने कहा कि कर दो ऐसा कुछ, कमाल आपने कर दिया। जैसे ऑडिशंस दिए हमने, उन्होंने वो कैरेक्टर एक्सप्लेन किया और मुझे वो सिचुएशन दी, वो सीन दिया, ऑडिशन दिया, सुबह चले गए हम जी, तो सिलेक्ट हुए। हाँ जी, छुट्टी आई कि आप सिलेक्ट हुए जी, तो इस तरह से काम हुआ और वो मेरा पहला एक प्रोमिनेंट टीवी शो था जी। उसकी और विशेषता ये थी कि वो पहली टेलीविजन की एक प्रॉपर कमाई थी, एपिसोडिक शोज में 500 रुपये पर एपिसोड का मिलता था। ओके ग्रेट। और वो 500 रुपये पर एपिसोड वाली कमाई बहुत वैल्यूबल कमाई है जी। फिर वहाँ से यात्रा चलती रही, टीवी शोज करते रहे जी दिल्ली में मैंने। तो वो जो बोलते हैं ना, एक एक पॉइंट आया कि उसके बाद आपकी लाइफ ही बदल गई, या सिनेमा के रास्ते में चल पड़े, या फिर बदल नहीं गई, चूंकि मैं एक्टर तो बन ही गया था जी, एक्टर का चूंकि वो जो 4-5 साल थिएटर किया, मतलब वो मुकाम जो आपने एक हासिल कर लिया एक बेंचमार्क, अब मुझे वो नहीं मिलता तो मैं थिएटर ही करता जी, डेफिनेटली जी जी, थिएटर की दुनिया में ही रहता मैं जी। तो वो पुलिस फाइल भी शायद एक नेगेटिव रोल के लिए था, मर्डरर था जी, क्रिमिनल। ओके ग्रेट। तो उसके बाद डॉक्टर जयकाल का कैसे हुआ? तो बहुत बात की बात है, मैं दिल्ली में 92 तक टीवी शोज करता रहा, फिर उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हुआ, वहाँ सैटेलाइट का दौर शुरू हो गया था, जी टीवी, स्टार टीवी, सोनी टीवी, ठीक, और भी तरह तरह के चैनल्स आ रहे थे। ये शक्तिमान तो DD1 का ही शो है जी, बिल्कुल, और ये 97 में शुरू हुआ था। तो उसमें मिस्टर मुकेश खन्ना मेरे साथ एक और शो में काम कर रहे थे जी, विराट नाम का एक शो था, तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगा था और वो इस शो के प्रोड्यूसर थे जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था डायरेक्टर को कि इसको देखो, ये जी अच्छा करता है, नेगेटिव में भी ट्राई करो, मेरे रास्ते में अड़ंगे लगाए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। वो अड़ंगा जो है वो धीरे धीरे बनता गया, बिकॉज वो पहला ही जो एपिसोड था उसका TRP इतना अच्छा हुआ कि ये प्रोड्यूसर की जो टीम थी, प्रोडक्शन हाउस जो था, वो मजबूर हो गया डॉक्टर जयकौल जी, डॉक्टर जयकौल को आगे। अर्लियर डॉक्टर जयकौल इतना लंबा कैरेक्टर नहीं था, मेन कैरेक्टर तो डॉक्टर किल्विश ही था, किल्विश ही था, डॉक्टर जयकौल और विलन की तरह 2-4 एपिसोड का ही था जी, बट वो जो बन गया वो फिनोमिनल, उसका रिस्पांस लोग पसंद करना शुरू हो गए, सिर्फ लोगों ने बल्कि मीडिया में जो उसकी छवि बनी, डायरेक्टर्स राइटर्स होते हैं ना आपस में क्या बोलते हैं, एक रिपोर्टिंग करते रहते हैं, अरे वो एपिसोड अच्छा था, तो सबने सजेस्ट किया कि डॉक्टर जयकौल को लेकर ही चलो, लेकर चलो जी। तब से फिर वो डॉक्टर जयकौल एक खास तरह से बन गया और फिर चलता रहा।